नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बड़ी अजीब है। कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि करे कोई और भरे कोई। ब्यूरोक्रेसी में पिछले दिनों एक बड़ी हलचल हुई। अपर मुख्य सचिव के स्तर पर तैनात राजेश कुमार सिंह को सरकार ने अचानक से सभी पदों से हटा दिया। सरकार के इस फैसले से नौकरशाही पूरी तरह हतप्रभ रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया जो राजेश कुमार सिंह को अचानक से सरकार ने सारे विभागों से हटाकर वेटिंग में डाल दिया। राजेश कुमार सिंह सरकार के एक भरोसेमंद अफसर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन राजेश कुमार सिंह के हटने के पीछे कारण क्या रहे, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं रहीं। वैसे राजेश कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, कुशल अफसर हैं, अड़ंगेबाज नहीं हैं, समस्या का हल निकालने वाले अफसर माने जाते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार उनसे इतना ज़्यादा नाराज हो गई कि उनको सारे विभाग हटा के वेटिंग में डाल दिया जाए। चर्चा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में जो बंदियों से जुड़ा हुआ है उसको लेकर राजेश कुमार सिंह को बलि का बकरा बना दिया गया, जबकि गलती किसी और की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले बंदियों को छोड़ने को लेकर एक निर्देश जारी किया गया था जिस पर सरकार को फैसला लेना था। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार होने के नाते उन्होंने यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी थी, लेकिन वहां पर यह कहा गया चूंकि लोकसभा की आचार संहिता लग गई है लिहाजा अब इस पर निर्णय अभी नहीं होगा। हालांकि जब जून में चुनाव समाप्त हो गए तो कोर्ट ने फिर इस पर पूछताछ की और उस पूछताछ में बात आई कि फाइल शासन ने भेजी थी सरकार के पास, लेकिन उसको मंजूरी नहीं मिल पाई, वो लौट आई। कोर्ट इससे नाराज हुई और उसने कहा उस अफसर का नाम बताइए। तो हलफनामा भी बाकायदा लिया गया था, राजेश कुमार सिंह से दबाव में दूसरा हलफनामा दिलाया गया और उसमें कहा गया कि पहला वाला जो हलफनामा था, जो शपथ पत्र था, वो गफलत में दे दिया गया था, जल्दबाजी में दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज हुई। अब सरकार किसी चीज़ को अपने ऊपर तो लेगी नहीं, फिर उसने कहा कि ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत छानबीन के बाद ये बात सामने आई कि राजेश कुमार सिंह को इसमें सजा दे दी जाए। फिर राजेश कुमार सिंह को अचानक से सारे पदों से हटा दिया गया, सहकारिता विभाग उनका छीन के एमपी अग्रवाल को दे दिया गया और जो कारागार विभाग था जिसकी वजह से सारा विवाद मचा वो विभाग उनसे छीन कर वो अनिल गर्ग को दे दिया गया और उनके पास एक बीकेटी में ग्राम विकास संस्थान का भी चार्ज था, वो भी उनसे हटाकर प्रमुख सचिव जो परिवहन है वेंकटेश्वर लू उनको दे दिया गया। हालांकि राजेश सिंह एक मस्त मौला टाइप के अफसर माने जाते हैं, सरकार के काम में संवेदनशील हैं और लोगों के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, त्वरित निर्णय भी लेते हैं, लेकिन कोर्ट के मामले में उन पर जो गाज गिराई गई वो नाहक थी। अब देखिए उनकी मुख्यधारा में वापसी कब होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर ये बात पता है कि राजेश कुमार सिंह और उनकी पत्नी जो यूपी पुलिस में एडीजी हैं नीरा रावत, उनकी भी छवि ईमानदार अफसर की है और वो नौकरी के शुरुआत से लेके आज तक बेदाग रही हैं और ये दोनों ब्यूरोक्रेसी के पावर कपल हमेशा से बिना किसी विवाद में पड़े काम करते आए हैं। लेकिन ये पहला मौका है
राजेश कुमार सिंह के कैरियर में जो उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाकर उनको हटाया गया है। सच्चाई अंदर के लोग जानते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आने दी जाती। कई बार अधिकारी भी ये सोचता है कि चलो हो सकता है आगे भला हो जाए इसलिए चुप ही रह जाओ।